नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रकांत और आज हम बात करेंगे GWM हैवल H9 के बारे में। दोस्तों, GWM बहुत ही जल्द इंडिया में अपनी कार्स की रेंज को लॉन्च करने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं हैवल H9 के बारे में। तो देख रहे हैं आप, जैसे कि गाड़ी फ्रंट से आपको कुछ ऐसी देखने को मिलती है। LED DRL के साथ में प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलते हैं, जो कि कुछ इस टाइप से दिखते हैं। फ्रंट से ग्रिल काफ़ी बड़ी है इसकी, क्रोम फिनिश के साथ आती है और काफ़ी SUV-ish टाइप का लुक देखने को मिलता है। हैवल के नीचे एक फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल रहा है, जिससे लगता है कि शायद 360 कैमरा होगा। टेल लाइट कुछ इस टाइप की है, पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो सबसे पहले टेल की ही बात कर लेते हैं हम, क्योंकि ये गाड़ी 7 सीटर आती है, तो हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हमें बूट स्पेस भी बहुत बड़ा मिलेगा, लेकिन हम पीछे की सीटें गिराकर बूट स्पेस बढ़ा सकते हैं। पीछे बूट के नीचे अगर हम देखें तो हमें हाइड्रोलिक जैक देखने को मिलता है, साथ में थोड़ी सी स्पेस देखने को मिलती है। उसके साइड में अगर हम बात करें तो कुछ टो हुक, साथ में हमें सीट बेल्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, कप होल्डर और साथ में यहाँ पर कुछ बटन मिलते हैं आगे की सीट्स को नीचे गिराने के लिए। एक बात बता दूँ, सारे सीटें और सारी जो कंट्रोल्स हैं इसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक हैं। पूरा बैट फ्लैट हो जाता है अगर आप सारी सीटें गिरा दें। इनफैक्ट आगे की सीटें गिरा कर भी आप पूरा आगे तक ऑल द वे फ्लैट कर सकते हैं। एक सीट में गिरा कर इसको फ्लैट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, पूरी सीट फ्लैट हो चुकी है। ऐसे ही आप आगे वाले बटन को यूज़ करके ये वाली सीट को भी आगे गिरा सकते हैं। चलिए सेंटर वाली रो की बात कर लेते हैं। दरवाजे को देखें तो दरवाज़ा कुछ इतना खुलता है, पूरा 90 डिग्री नहीं खुलता है, लेकिन फिर भी आपको इनग्रेस आउटग्रेस में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया हुआ है, नीचे वुडन फिनिश दे रखी है उसके, और उसके नीचे हमें यहाँ पर लेदर फिनिश देखने को मिलती है। साथ में यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल है, जो कि बहुत अच्छा फील देता है आपको दरवाज़ा लगाने में। इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे इल्यूमिनेशन देखने को मिलता है, जिससे हमें पता चला है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है। ऊपर हमें AC वेंट देखने को मिलते हैं, साथ ही में हमें यहाँ पर रीडिंग लैंप देखने को मिलता है, जो कि टच करने से ऑन हो जाता है। साथ में यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, बहुत बड़ी इसमें मूनरूफ दे रखी है। उसके बाद बीच में हमें देखने को मिलता है AC के कंट्रोल, इसमें 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है। साथ में सेंटर में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है आगे वाली सीट्स के कंट्रोल। अगर यहाँ पर देखें तो हो सकता है शायद आगे वाली सीट ऑल द वे पीछे हो, इसलिए इसमें थोड़ा सा लेग स्पेस का प्रॉब्लम है, पर मुझे नहीं लगता कोई स्पेस का प्रॉब्लम होगा, काफ़ी बड़ी गाड़ी है ये। यहाँ पर हमें AC वेंट देखने को मिलते हैं, यहाँ पर हमें दरवाज़ा कुछ टाइप से देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें स्पीकर मिलता है डोर के ऊपर, ये इन्फिनिटी के स्पीकर्स के साथ आता है, तो साउंड क्वालिटी में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है। हेडरूम की बात करें तो हेडरूम डिसेंट है, 4 इंच की गैप है ऊपर और मेरी हाइट 6 फीट है। पीछे की बात करें तो हैवल की ब्रांडिंग है, नीचे कैमरा दे रखा है। उसके नीचे अगर हम देखें कि पैर वैर हिलाने से कोई दरवाज़ा वगैरह नहीं खुलता है इसमें। आगे की बात करें पैसेंजर की, तो यहाँ पर हमें इंटीरियर में नीचे डैशबोर्ड में हमें प्लास्टिक मिलता है, यहाँ पर ग्रैब हैंडल लेदर का है, ऊपर हमें पियानो फिनिश मिलती है, साथ में यहाँ पर ऊपर भी हमें सॉफ्ट टच मटेरियल देखने को मिलता है, यहाँ पर लेदर फिनिश देखने को मिलती है। सेंटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पर हमें हैवल की स्क्रीन मिलती है, उसके नीचे उसके कंट्रोल्स मिलते हैं, AC कंट्रोल मिलते हैं, साथ में टेलीमेटिक्स के कंट्रोल मिलते हैं, जैसे कि 4-व्हील ड्राइव, लॉक अनलॉक और ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह के। उसके बाद बीच में देखें हम तो उसमें हमें गियर नॉब मिलता है, जो कि ऑटोमेटिक है। साथ में हमें देखने को मिलता है टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि डेजर्ट वगैरह के लिए। यहाँ पर पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक है। उसके बाद सीट्स के कंट्रोल देखें तो सीट्स भी हमें इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड मिलती है, सारी ऑल ओवर सीट इसकी सारी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। इसमें एक और बहुत ही कूल फीचर जो दे रखा है वो मैं दिखाता हूँ। उसके बाद पहले यहाँ पर इन्फिनिटी के स्पीकर, यहाँ पर बॉटल होल्डर दे रखा है। ये कूल फीचर इसका ये है कि अगर हम दरवाज़ा बंद करेंगे फुट रेस्ट अंदर चला जाएगा, दरवाज़ा खोलेंगे फुट रेस्ट बाहर आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा है इतनी ऊँची SUV के लिए। यहाँ पर भी हमें कैमरा देखने को मिलता है, तो ये 360 कैमरे का ही पूरा सेटअप है। यहाँ पर हमें ये जो चीज़ें देखने को मिलती है सिर्फ दिखाने के लिए, इससे कोई इनटेक वगैरह का लेना देना नहीं है। यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है, क्योंकि ये गाड़ी लेफ्ट हैंड ड्राइव है, तो उसमें सारे जो हैं फीचर्स वगैरह सारे लेफ्ट हैंड में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे फ्यूल लीड ओपनर, यहाँ पे सारे पावर विंडो के कंट्रोल, यहाँ पर लॉक अनलॉक के कंट्रोल, यहाँ पर हमें म्यूज़िक के कंट्रोल देखने को मिलते हैं। साथ में हैवल की ब्रांडिंग है, SRS एयरबैग, यहाँ पर क्रूज़ के कंट्रोल, वॉइस कमांड, फ़ोन उठाने और लगाने के लिए बटन। साथ में हमें पैडल शिफ्टर्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है।
यहाँ पर वाइपर और टर्न इंडिकेटर्स के कंट्रोल हैं। साथ में यहाँ पर हम साइड में देखें तो हमें एसी वेंट देखने को मिलता है। एसी वेंट के पास में हमें देखने को मिलता है हेडलाइट एडजस्टर और सारे हेडलाइट्स के कंट्रोल्स। सेंटर की बात करें तो आर्म रेस्ट के नीचे हमें मिलता है एयर प्यूरीफायर, जो कि बहुत ही सही है आजकल के एनवायरनमेंट के हिसाब से। और आर्म रेस्ट के नीचे देखें तो हमें मिलता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के लिए एक यूएसबी सॉकेट, उसके अलावा एक चार्जिंग के लिए, और साथ ही में मिलता है हमें सिगरेट लाइटर। और ग्लव बॉक्स का साइज़ काफ़ी बड़ा है, आप बहुत सारे सामान इसमें रख सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं सेंटर की, तो सेंटर में मिलता है यहाँ पर कप होल्डर, जो कि बहुत सही तरीके से छुपा रखा है। उसके बाजू में हमें एक और चीज़ मिलती है, जो कि एक और सिगरेट लाइटर यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं इसके इंजन वगैरह की, तो इंजन की बात करें तो इसमें आता है 4 सिलेंडर का 2 लीटर पेट्रोल इंजन, टर्बो पेट्रोल, 160 हॉर्स पावर की पावर है इसमें, और 324 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। 8 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ में आएगी, वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक, 4 व्हील ड्राइव, ऑटो, यूरो 6 इंजन रहेगा ये सारा। हो सकता है इंडिया में डीजल इंजन भी लॉन्च हो। गाड़ी का कॉम्पिटिशन टोयोटा फॉर्चुनर, फोर्ड एंडीवर और महिंद्रा अल्टियोरा G4 के साथ होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर और भी इसी तरह से ऑटो एक्सपो की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।